नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर का इतिहास बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुमाऊं क्षेत्र के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के पवित्र स्थलों में से नंदा देवी मंदिर का अपना ही एक विशेष धार्मिक महत्व है। इस मंदिर में देवी दुर्गा का अवतार विराजमान है। समुद्र तल से 7,816 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है और यह मंदिर चंद वंश की ईष्ट देवी माँ नंदा देवी को समर्पित है। नंदा देवी माँ दुर्गा का अवतार और भगवान शंकर की पत्नी है और पर्वतिया आंचल की मुख्य देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। नंदा देवी गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, इसलिए सभी कुमाऊनी और गढ़वाली लोग उन्हें पर्वतांचल की पुत्री मानते हैं। इस मंदिर का जो इतिहास है वो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और पत्थर का मुकुट और दीवारों पर पत्थर से बनाई गई कलाकृति इस मंदिर की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। नंदा की उपासना प्राचीन काल से ही की जाती है, इस बात का प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों में मिल जाता है। नंदा देवी को नव दुर्गा के रूप में से एक बताया गया है। भविष्य पुराण में जिन दुर्गा के बारे में बताया है उनमें से महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमगिरी, शिवदूती, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरसिद्धि है। अल्मोड़ा स्थित यह नंदा देवी का जो मंदिर है वो उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक है। कुमाऊं में अल्मोड़ा, रणचूला, डंगोली, सरमूल आदि कई जगहों पर नंदा देवी के मंदिर स्थित हैं। अल्मोड़ा में माँ नंदा की पूजा अर्चना तारा शक्ति के रूप में तांत्रिक विधि से करने की परंपरा है। नंदा देवी मंदिर के पीछे कई ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हैं और इस स्थान में नंदा देवी को मशहूर करने का जो सारा श्रेय है वो चंद शासकों को जाता है। कुमाऊं में माँ नंदा की जो पूजा का क्रम है वो चंद शासकों के जमाने से माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इनकी पूजा करना जो है शुरू किया था। तो एक किंवदंती और इतिहास के अनुसार सन 1670 में कुमाऊं के जो चंद शासक राजा बाज बहादुर चंद थे, उन्होंने बधाणकोट किले से माँ नंदा देवी की सोने की मूर्ति लेकर आए और उस मूर्ति को उन्होंने मल्ला महल, जो मल्ला महल अब हमें वर्तमान में कलेक्टर परिसर अल्मोड़ा में देखने को मिलता है, वहाँ पर उन्होंने उसे स्थापित कर दिया। तब से चंद शासकों ने माँ नंदा को कुल देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसके बाद बधाणकोट विजय करने के बाद जब राजा जगत चंद को नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली तो उन्होंने खजाने में से अशर्पियों को गलाकर अपने आप ही माँ नंदा की मूर्ति बनाई। अब मूर्ति बनाने के बाद राजा जगत चंद ने मूर्ति को मल्ला महल स्थित जो नंदा देवी मंदिर है वहाँ पर स्थापित कर दिया। सन 1690 में तत्कालीन राजा उभोज चंद ने पार्वतीश्वर और उभोज चंदेश्वर नामक दो शिव मंदिर जो हैं वो मौजूदा नंदा देवी मंदिर में बनवाए। वर्तमान में यह मंदिर चंद्रेश्वर और पार्वतीश्वर के नाम से प्रचलित है। सन 1815 को मल्ला महल में स्थापित नंदा देवी की मूर्तियों को कमिश्नर ट्रेल ने उघोज चंद्रेश्वर मंदिर में रखवा दिया। तो दोस्तों, यही नंदा देवी मंदिर का इतिहास था जिसके बारे में हमने आपको जानकारी जुटाकर आपको इससे परिचित करवाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बोला।